जी हाँ, आज लेकर आई हूँ रितेश पांडे जी की शादी की कुछ तस्वीरें आपके लिए लेकर आई हूँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। काफ़ी आलीशान तरीके से रितेश पांडे जी की शादी वैशाली में हुई और रितेश पांडे जी को आशीर्वाद देने के लिए बहुत लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन रितेश पांडे ने कोविड की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए काफ़ी लोगों को नहीं बुलाया था। भोजपुरी के गिने चुने बस कलाकार ही थे। आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर आशीष वर्मा जी थे जो रितेश पांडे जी के काफ़ी करीब है और कुछ दिन पहले दोनों लाइव भी आए थे। इन दोनों रितेश पांडे और वैशाली जी की शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी शादी हो जाएगी। पवन सिंह जी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन रितेश पांडे जी ने अपने लाइव में बताया था कि पवन सिंह जी और भोजपुरी के सभी कलाकार उनके पार्टी में ज़रूर नजर आने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि रितेश पांडे और वैशाली जी की जोड़ी को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। देखा जाए तो इनकी जोड़ी इस समय ट्रेंड कर रही है, इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग पेज पे आ गए हैं रितेश पांडे जी और वैशाली जी। बहुत सारी तस्वीरें हैं जो आप आगे देख सकते हैं, कैसे उनके परिवार वालों के साथ वैशाली जी और रितेश पांडे ने फ़ोटो खिंचवाए हैं। रितेश पांडे जी के परिवार से सभी लोग वहाँ मौजूद थे, बस उनकी माता जी को छोड़कर, और काफ़ी धूमधाम से और काफ़ी अच्छे तरीके से उनके शादी को मनाया गया। जयमाला के रस्म के समय काफ़ी ज़्यादा खुश थी वैशाली जी। आप देख सकते हैं स्टेज पे दोनों की खूबसूरती हमें देखने को मिली। आपको वीडियो कैसा लगा, और आप भी इन्हें ज़रूर बधाई दीजिएगा इनकी सारी।